हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप देख ही रहे हैं कि जो आज की DIY होने वाली है वो एक रंगोली है, और ये बहुत ही इजी और कम सामानों में बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिशनल रंगोली बनाने नहीं आती। तो आपको अगर रंगोली नहीं बनाने आती तो अब आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप भी एक अच्छी रंगोली अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, इसमें जो मैंने बनाया है उसको बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी वॉल पुट्टी की और कलर्स की, और सजाने के लिए जो भी आप चाहें। तो ये मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड, और इस पर मैंने डिज़ाइंस बना ली हैं जो मुझे अच्छी लगी, और इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे मैंने मास्किंग टेप से इसके किनारों को कवर कर दिया है, और बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे ग्लू और पेपर की हेल्प से कवर करना चाहिए था, तो इसके किनारे ज़्यादा ही इनके किनारों पे ज़्यादा ही फिनिशिंग आती। और देखिए, इस तरह से मैंने अपनी सारी डिज़ाइंस को कवर कर लिया है, और उसके बाद मैं इस पर वॉल पुट्टी का पतला सा लेयर लगाऊंगी, और वॉल पुट्टी को हम गाढ़ा सा एक उसका पेस्ट बना लेंगे और उसे हम इस पर लगा देंगे। तो ये हल्का सा पतला सा लेयर लगाना इस पर ज़्यादा ही अच्छा रहता है, ड्राई होने के बाद फिर वो टूटता फूटता नहीं है, वो अच्छे से वैसे ही बना रहता है। और ये इसको कवर करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें, और जब ये ड्राई हो जाए तो थोड़ी देर इसे धूप में भी रख दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो ये गीला भी हो जाता है अंदर से। और इसका ये छोटा वाला पार्ट मैंने इस पर एक डो बनाया और उसी से इसको कवर कर दिया है। तो बड़े पार्ट पर हम डो बनाकर अगर काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए इसका पतला से पेस्ट बनाएं और उसे ही लगा दें। और इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर आप अपने मन पसंद कलर में इसे कलर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके बड़े पार्ट को कई सारे कलर में भी कलर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैंने तो इसे एक ही कलर में किया है। तो देखिए, ये मेरा बन करके तैयार हो गया, और अब मैं इसको कलर कर लूँगी। तो ये सारे पार्ट मेरे रेडी हैं कलर करने के लिए, और इसके पीछे मैंने ये पेपर अच्छे से चिपका लिया है ताकि ये मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड, मैं आप लोग से एक और बात इसमें कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड, देखिए ये मैंने कलर कर लिया, और अब जब ये कलर ड्राई हो जाएगा तो हम इस पर वॉल पुट्टी से ही इस पर डिजाइंस बनाएंगे। और वो डिजाइंस कैसे बनेगी, तो क्या करेंगे हम, वॉल पुट्टी को एक पेस्ट सा बना लेंगे, स्मूथ सा, और उसका कोन बनाएंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे मेहंदी का कोन बनता है, उसी तरह से हम एक पन्नी ले लेंगे और उसको कोन बनाकर उसमें वो सारा पेस्ट भर देंगे, और फिर उससे हम डिजाइंस बनाएंगे। तो आगे अभी वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे बनाना है। और शुरुआत में तो थोड़ी, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हुई और मेरे कोन भी ख़राब हुए हैं थोड़े। तो आप अगर काम करते रहेंगे तो फिर सीख जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा बिगड़ता है तो उससे घबराएं नहीं, उसे बनाएं धैर्य से, और एक दो बार आपको प्रॉब्लम होगी फिर वो सब सही हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे आप एक कोन को बना लें और इस तरह से इस पर डिजाइंस बना लें, और आप चाहें तो पहले हल्का सा पेंसिल से इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी सारी डिजाइंस इक्वल बनेगी, एक जैसी बनेगी। और देखिए, ये मुझे बहुत इसमें शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरा कोन भी फैल गया था, पर जब हम काम करते हैं तो हमें समझ में आ ही जाता है कि हमें कैसे इसको सही करना है। इस पर मैंने मिरर लगा दिया है, अगर आपके पास ज़्यादा मिरर हो तो आप ज़्यादा मिरर भी लगा सकते हैं, और अगर आप कोन से नहीं बना पा रहे हैं डिजाइंस तो आप 3D लाइनर से भी इस पर डिजाइंस बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रंगोली बन कर के तैयार हो गया है, और फटाफट बन कर के तैयार हो गया, और बहुत ही कम कॉस्ट में। तो आप भी बनाएं, और इसे फूलों से भी सजा सकते हैं इनके किनारों को, और इस पर दीपक भी जला सकते हैं, आप दीपक भी रख सकते हैं जलाकर। तो त्यौहार के दिन ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है।
तो फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें, मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।